हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल। मैं हूं रेहान और मैं हूं साहिल। तो आज हम रिएक्शन करने वाले हैं बिछिया ऑफिशियल ट्रेलर। अंजना सिंह, विजय ठाकुर, ईशान सिंह और धीरज यादव। ये मूवी जो है मुझे जो सब्सक्राइबर ने बताया है वो बताया कि बहुत ही आला ट्रेलर है, लेकिन इस पर व्यूज़ नहीं है क्योंकि हम भी देख पा रहे हैं, ओनली 46,000 व्यूज़ हैं। लेकिन बताया गया कि इसमें अंजना सिंह की एक्टिंग बहुत ही कमाल की है, अगर आप देखोगे तो आप मज़ा आ जाएंगे। और इस तरह की मूवी को लोग प्रमोट नहीं करते, तो हमसे रिक्वेस्ट किए कुछ सब्सक्राइबर ने कि एक बार आप प्लीज़ रिएक्शन दो। तो बिना देखे हमने सोचा कि पहले रिएक्शन दे देते हैं और फिर देखते हैं इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है तो क्यों आ रही है, और व्यूज़ इतने कम है लेकिन रिक्वेस्ट इतनी ज़्यादा, तो ये थोड़ा सा डाउटफुल है मेरे लिए कि रिएक्शन देना भी चाहिए या नहीं देना चाहिए। बट फिर भी हमने रिस्क लिया है कि चलो दे देते हैं रिएक्शन, व्यूज़ आए ना आए कोई बात नहीं। लेकिन हमारे लगभग मेरे पास रिक्वेस्ट इस ट्रेलर पर देने के लिए 200 से ज़्यादा इंस्टाग्राम पे मैसेज आए हुए हैं। आप लोग भी इंस्टाग्राम पे भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ये हमारी आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। और कोई रिक्वेस्ट होगी जिस आप लोग बोलते हो इंस्टाग्राम पे फॉलो किया, मैसेज किया, लेकिन आप पूरी नहीं करते रिक्वेस्ट, तो भाई आपके जैसे कम से कम 200-300 मैसेज आते हैं ना, तब जाके रिक्वेस्ट पूरी होती है, क्योंकि एक बंदा अलग अलग रिक्वेस्ट करता है। इंस्टाग्राम पे भी मेरे कम से कम 1500 मेरे फॉलोअर्स हैं और रेहान के तो 50-60 हज़ार फॉलोअर है, तो आप सबके मैसेज पढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो गाइज़ थोड़ा समझा करो, मैसेज पढ़ भी लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि किसके किस चीज़ पर ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं। तो प्लीज आप सब फॉलो करो और ज्यादा से ज्यादा मैसेज करो। तो शुरू करते हैं बिना टाइम के, हियर वी गो। बिछिया ऑफिशियल ट्रेलर है भाई, तन्वी मल्टीमीडिया। समाज में लड़की के ही काहे में लेला, जीवन और मृत्यु के काल चक्र में अगर माई बाप भाई बहन साथ छोड़ के चल जाए तो लक्ष्मी काहे वाली लड़की, तो लक्ष्मी काहे कहाली। उमा बेटिया खातिर कहीं रिश्ता वस्ता खोजा ताड़ा कि ना? ना काका। तो कब ढूंढवा, उम्र बीत जाए तब। बनी है तहार सुहाग हमार जीजा जी। बड़ा शुभ मुहूर्त में भइल मोहब्बत बा, तहार नहाते को केस भी ना टूटे दे, तोहर हमरा जिंदगी में बहुत जरूरत बा। तो लस्ट लग रही है, ये क्वालिटी कंटेंट लग रहा है। हाँ, एक एक चीज दिखा रहे हैं ना, जिस तरह से साथ में म्यूजिक इतना अच्छा है। मंगलवाड़े का दुनिया के चलत हरल रिवाज के नेक्स्ट काट सकत दीदी। हमार गृहस्थ जीवन बसावे के चक्कर में हम तोहार गृहस्थी कर्ज में नहीं डाल सकत। बेटी तो समाज के होली तो हम देव तोहरा के 10 लाख। ओ भाई शिट, उसका भाई मर गया, ये तो बहुत ज्यादा ही गलत हो गया यार। ओ जिक्र सहे के साहस होला, ओ भाई दुनिया के बाप रे, ओ माय गॉड। ऐसन गृहस्थी बसा के का करब, जिक्रा खातिर हम के अपन भाई के बलि चढ़ावे के पड़े। इससे अच्छा तो कवारे ही रखो भाई अपनी बहन को। हाँ यार, एगो पत्नी तो रुक जाए पर एगो बहन कबो ना रुकी। ओ जेल रोज पाडू तो काहे अपन पति के मार देलू। उसके हस्बैंड को मार दिया, उसके हस्बैंड का मर्डर हो जाता है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है और घर में अकेली रहती है। इच्छी नहीं बनेगी तो होके हजार बिच्छू के काटे के दर्द बर्दाश्त करे के पड़ेगा। ओ भाई कितनी बेचारी थी, ये दर्द सह सकेली तो फिर एक लड़की कमजोर कैसे हो सकेली माई। ओ भाई, ओ गजब यार, कमजोर तो बिल्कुल नहीं होती लड़कियां। ओ भाई, बाकी तो एक बात है, ट्रेलर में इन्होंने सस्पेंस अभी भी छोड़ा हुआ है और यही चीज़ मुझे अच्छी लगती है। ट्रेलर 2.5 मिनट का बनाओ पर ऐसा बनाओ कि स्टोरी भी दिखाओ, देखने पर मजबूर भी करो इंसान को, और एक सस्पेंस भी रखो कि देखने के बाद ही पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है। और ये चीज़ इस ट्रेलर में हमें बखूबी दिखी। भोजपुरी के जितने भी ट्रेलर देखे उनमें से ये एक अच्छी चीज़ दिखी मुझे कि इसमें कुछ अलग दिखाया गया है। और भाई समाज का एक बहुत चेहरा, बिंदास वाला चेहरा, और ख़ास करके बिहार यूपी में तो वो बहुत ज़्यादा ही होता है, आप लोगों को पता ही है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। सही बात, वैसे तो पूरी दुनिया, पूरे देश में ही है पिछड़ी सोच जो है, ये पूरे देश में है, पूरे देश में दहेज वाली सोच। कुछ लोग अच्छी सोच रखने वाले, कुछ लोग बुरी सोच रखने वाले, तो ये कुछ ऐसे
अजीबोगरीब तत्व है। बट एक बात है, पूरी दुनिया में हम लोग मॉडर्न समाज को बहुत गालियाँ देते हैं हम लोग, हम जो जमीन से जुड़े लोग, लेकिन इस मामले में मॉडर्न समाज अच्छा है भाई। वो दहेज नहीं मांगते हैं मॉडर्न समाज, जिसके हम गालियाँ देते हैं कि क्या पहनते हैं ये लोग, क्या खाते हैं, ठीक है वो हर चीज़ में बुरे हैं, लेकिन कम से कम उनकी एक सोच बहुत अच्छी लगती है मुझे कि हम दहेज नहीं लेंगे। ये उनके घर वालों को पसंद नहीं आता है, कई बार लड़का खुद मना कर देता है, जैसे हम खुद भी मना कर देते हैं कि हमें दहेज नहीं समाज में। तो भाई आज ये हो रहा है कि लड़कों का मरण हो रहा है। हाँ, लड़कों की भेड़ बचती है मॉडर्न समाज में, और उससे कोई दिक्कत भी नहीं है। कम से कम भाई बंदा कमाने वाला है, कमा सकता है, तो क्यों मांगे? भिखारी लगता है मुझे दहेज मांगने वाला। ये बात तो सही है, सिंपल सी बात है। जो बंदा अगर दहेज मांग रहा है, चाहे वो आपके माँ बाप मांग रहे हो और आप अगर आवाज़ नहीं उठा रहे उसके खिलाफ, तो भाई आप सच में भिखारी हो। जिसको बुरा लग रहा हो, आई एम सॉरी, अगर हम सच बोलने से कतराएंगे नहीं। कई बार हमें गालियाँ पड़ती है सच बोलने पे, लेकिन क्या करें, आदत सी पड़ गई है गालियाँ खाने की। सो गाइस, इस ट्रेलर की अगर ओवरऑल बात करें तो बहुत ही अमेजिंग एक्टिंग अंजना, अमेजिंग अंजना सी जी की एक्टिंग, मैं अब क्या ही बोलूँ यार, नो डाउट उनका जो मेकअप था, उनकी जो एक्टिंग स्किल्स है वो निखर के आ रही है, और जो स्टोरी का पैटर्न लिया है वो बहुत सही लिया है। छोटे से गांव की स्टोरी, छोटे से घर की स्टोरी, कम खर्चे में बढ़िया फिल्म बनाना इसे कहते हैं। इसके डायरेक्टर आई थिंक जो है वो शायद यही है जिनका नाम लिखा हुआ है, धीरू यादव है ना डायरेक्टर, बट धीरू यादव, ओके धीरू यादव इनके डायरेक्टर है, तो धीरू यादव की यहाँ पे तारीफ करना पड़ेगी। अच्छा, स्टोरी भी धीरू यादव की है, डायरेक्टर भी उन्होंने किया है। ओ गमाल यार, मतलब डायरेक्ट भी उन्होंने किया है, दीपक शाह ने प्रोड्यूस किया भी वही। और कम खर्च में बनी है ये फिल्म, बिल्कुल कम खर्च में, बिल्कुल ये मान के चलो, मुझे तो नहीं लगता कि इसमें इनका घर जो दिखा है ना वो बहुत अच्छा लगा है, रियल लगा, हर चीज लगा, रियलिटी से कनेक्टेड लगा, और एक जो बाड़ा होता है घर के बाहर वो बहुत अच्छा लगा। चीज़ें हैं, एक मतलब 50 लाख में इतनी मूवी बन गई होगी, मुझे इतना अंदाजा है, मुझे भी ये लग रहा है। लेकिन मूवी के अंदर जो कंटेंट है ना भाई, ये 50 करोड़ वाला कंटेंट है। अगर इस तरह की मूवी को आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो ना, तो भूल जाइए कि भोजपुरी आगे बढ़ने वाला है, आप भोजपुरी को सपोर्ट नहीं कर रहे। जो भी हमारे फैंस है, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ये मूवी किसी भी तरह से रिलीज हो, चाहे OTT पर रिलीज हो, चाहे TV पर रिलीज हो, चाहे सिनेमा हॉल में रिलीज हो, जो भी हमारे सब्सक्राइबर है जाके इस मूवी को जरूर देखो, फिल्म हो तो ऐसी कह सकते हैं बिल्कुल। सो हमारा रिव्यू और रिएक्शन कैसा लगा कमेंट करके जरूर और जरूर बताना। अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन मेक लव नॉट वॉर।